क्लब मिड टाउन और नारी कल्याण समिति द्वारा किया जाएगा मेडिकल जांच शिविर का आयोजन। पानीपत बस अड्डे में 40 साल पुरानी दीवार गिरने से नीचे दबे कई लोग, घायलों को अस्पताल में किया गया दाखिल। सीबीएसई की 12वीं क्लास की परीक्षा परिणाम हुए घोषित, आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल का परिणाम रहा शत प्रतिशत। जेडी गोयनका और आईबीएल पब्लिक स्कूल का 12वीं कक्षा का परिणाम रहा शानदार, स्कूल प्रबंधकों ने दी बधाई। मॉडल टाउन क्षेत्र के ट्रांसफार्मर में आग लगने से हुई बिजली सप्लाई बंद, बड़ा हादसा टला। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत, मैं हूं आपके साथ दीपा बजाज। आइए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। इनर व्हील क्लब मिड टाउन और नारी कल्याण समिति द्वारा रविवार को एफिल ग्रेड होटल में मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इनर व्हील क्लब की चार्टर्ड प्रेसिडेंट कंचन सागर ने बताया कि थायराइड समस्या मुख्य रूप से महिलाओं से संबंधित है, इसीलिए नारी कल्याण समिति व इनर व्हील क्लब ने बीड़ा उठाया। उनका कहना है कि मेडिकल कैंप में इसकी जाँच किफायती दरों पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेट थेरेपी के निदेशालय डॉक्टर हेमंत चौहान महिला व पुरुषों की असाध्य बीमारी पर भी मार्गदर्शन करेंगे और छाबड़ा अस्पताल से पानीपत के सुप्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर निखिल गिरदर को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया ताकि उनके अनुभवों का सभी लाभ उठा सकें और साथ ही आंखों की जांच भी की जाएगी। रियायती दरों पर चश्मा वितरण किया जाएगा। दांतों की जाँच के लिए लोटस अस्पताल की दंत चिकित्सक आस्था भी मौजूद रही। होटल के डायरेक्टर संजय चौधरी ने भी हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर डॉक्टर कुंजन, रुपिंदर सोडी, सरोज आहूजा, नीलम नागपाल व सुनीता वर्मा मौजूद रही। महिलाएं जो है वो अपने प्रति लापरवाह हो जाती हैं और ध्यान नहीं देती हैं। इसके लिए हमने थायरोकेयर के साथ मिलकर एफिल ग्रैंड होटल में एक ये कैंप का ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम लोग थायराइड की जाँच करेंगे और पूरी बॉडी का फुल चेकअप जो होगा वो जो 2600 में होता है वो 1200 में होगा और थायराइड का जो है वो 150 रुपीस में होगा। और इसके साथ ही हमने डॉक्टर हेमंत चौहान को भी बुलाया है जो ये अपना असाध्य रोगों का वो इलाज बता देते हैं और उसमें कोई मेडिसिंस नहीं खानी होती, जैसे हम एलोपैथी में इतनी सारी खाते हैं या होम्योपैथी में हमें इतनी खानी पड़ती है, वो नहीं होता। वो सिर्फ अपनी वो थेरेपी बताएंगे, चाहे वो एक पॉइंट दबाना होगा चाहे वो प्रिक करना होगा, पर उसमें वो पूरा असाध्य रोगों का इलाज करेंगे। और वो साथ में एक वार्ता भी रखी हुई है, अगर किसी के भी कोई क्वेश्चंस होंगे वो भी वो उनके भी आंसर्स देंगे। डॉक्टर निखिल गिरधर जी जो छाबड़ा हॉस्पिटल के वहाँ पर डॉक्टर हैं वो भी आएंगे और वो भी डेंटल चेकअप जो होगा वो होगा, साथ में आईज का भी चेकअप होगा और फ्री जो है वो चश्मे वितरित किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट हम नारी कल्याण समिति और इनर व्हील क्लब पानीपत मिड टाउन की ओर से मना रहे हैं। पानीपत बस स्टैंड पर 40 साल पुरानी जर्जर दीवार गिरने से कई लोग नीचे दब गए। आनंद फानंद उन्हें बाहर निकाला गया और सामान्य अस्पताल पहुँचाया गया। दीवार गिरने से बस अड्डे में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौजूद लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि जब से पानीपत बस अड्डा बना हुआ था तब से दीवार बनी हुई थी और काफी दिनों से दीवार जर्जर स्थिति में थी। वहीं दीवार के साथ रोडवेज की वर्कशॉप थी जहां पर बसों की वॉशिंग का काम चल रहा था। लगातार दीवार में नमी आने के कारण आज सुबह अचानक ढह गयी। दीवार के साथ में चाय के खोखे पर चाय पी रहे कुछ लोग नीचे दब गए। हादसे में रोडवेज विभाग का एक कंडक्टर भी घायल हो गया। 30 साल से खड़ा था, अचानक सुबह को बस गाड़ी थी चाय बना रहा था सवारियों के लिए, एकदम अचानक जब गिरनी शुरू हुई भागे बहुत था लेकिन फिर भी दब गए नीचे। मेरे पास ड्राइवर था, उस बस का कनेक्टर था, एक धात वालों की बस का कनेक्टर था, एक मैं था, हमारा 4-5 जनों का हुआ। क्या-क्या काम करते थे आप? एक रोटी वाला था, एक बीड़ी सिगरेट, एक चाय की, एक पीछे स्कंदी वाला, वैसे पानी पूरी बेचारा भर रहा था, वो भी दब गया नीचे। ये थोड़ी ये नमी की वजह से गिरी, थोड़ी हल्की थी, 2-5-7-10 दिन से हल्की थोड़ी टेढ़ी थी, छोड़ देते रोडवेज वाला गड्ढा गया अंदर, वो गाड़ी धोते थे सारा पानी वही खुला छोड़ देते थे। ये दीवार अचानक ही गिरी, ये मेरे को तो उसने यही बताया अचानक गिरी है।
तीन बंदों को चोट लगी हुई है, एक जेसराज और एक ड्राइवर कनेक्टर है जी, उनको लगी है। आपको बता दें रोडवेज विभाग द्वारा भी उच्च अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर इस दीवार के बारे में बताया जा चुका है कि दीवार काफी पुरानी है और जर्जर हो चुकी है, बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया गया और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। आज सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल का परिणाम 100% रहा। परिणाम आने की खबर से ही सभी परीक्षार्थियों के मनों में हलचल मची हुई थी। जैसे ही परिणाम आया सभी के चेहरे खुशी से चमक उठे। आर्य गर्ल्स का परीक्षा परिणाम 100% रहा। स्कूल के गुरविंदर ने विज्ञान में 95.8 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। वाणिज्य विभाग से कुमारी प्रतिभा ने 95.6 अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया। कुमारी मधु ने कला विभाग से 93.8 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। आर्य गर्ल्स से 292 छात्राओं ने यह परीक्षा दी थी। परीक्षार्थियों के परिणाम को देखकर विद्यालय की प्रबंधक समिति के सदस्य सचिन श्रृंगला व मुख्य अध्यापिका मीनाक्षी अरोड़ा ने छात्रों को बधाई दी तथा भविष्य में उनके बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि इस परिणाम के लिए विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अध्यापक तथा अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं। जिस हिसाब से रिजल्ट आया है हमें खुद ये उम्मीद थी कि बच्चे ये जो उन्होंने पास करे, अच्छे मार्क्स लिए, ये नाम रोशन करें शहर का और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत आगे तक जाएंगे बच्चे और पानीपत शहर का बहुत नाम रोशन करें। हाँ, पिछले साल से रिजल्ट अच्छा है जी। अब के बार हमारा जो टॉपर है बच्चा वो 95.8% उसके मार्क्स इसमें साइंस में है जी और कॉमर्स में भी 95.8% मार्क्स आए। आज स्कूल का 12th क्लास का रिजल्ट आया सीबीएसई बोर्ड से और हमारा रिजल्ट 100% रहा। कॉमर्स में और साइंस में टॉपर के 95.8% रहे। 90% से अबाव भी जो है वो करीब 50 बच्चों के मार्क्स जो है वो 90% से अबाव आए हैं, जिसके लिए पूरा स्टाफ, बच्चे और उनके अभिभावक सभी जो है वो बधाई के पात्र हैं। स्कूल मैनेजमेंट ने उनको बहुत अच्छे से बधाई दी और उनके अच्छे भविष्य के लिए कामना की। विद्यालय का परिणाम इस प्रकार रहा। साइंस वाणिज्य कला में प्रथम गुरविंदर ने 95.8 अंक, प्रतिभा ने 95.6, मधु ने 93.8 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे स्थान पर परिधि ने 95, अदिति ने 93.8 और अंजलि ने 91.4 अंक प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर मुस्कान ने 94.4, शिक्षा ने 93.2 और अंजलि मान ने इस परीक्षा में 90.6 अंक प्राप्त किए। मॉडल टाउन में श्री राम चरणम के पास ट्रांसफार्मर में आग लगने से आसपास के क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद हो गई। मॉडल टाउन के क्षेत्र में जैसे ही ट्रांसफार्मर में आग लगी वैसे ही लोगों में अफरा तफरी फैल गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गए। लोगों की आंखों के सामने ट्रांसफार्मर धू धू कर जल उठा। इससे क्षेत्र की बिजली सप्लाई इस दौरान बंद रही। जेडी गोयनका और आईबीएल पब्लिक स्कूल का 12वीं क्लास का सीबीएसई का परिणाम शानदार रहा। जेडी गोयनका स्कूल का परीक्षा परिणाम शानदार रहा, जिसमें अंग्रेजी में मानसी, खुशबू व शुभ ने 94 अंक, पेंटिंग में खुशबू ने 90 अंक, इकोनॉमिक्स में शुभ ने 97 अंक, बायोलॉजी में मानसी ने 96 व खुशबू ने 93 अंक प्राप्त करके विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इसके अतिरिक्त साइंस में खुशबू और कॉमर्स में शुभ ने टॉप कर माता पिता व स्कूल की प्रतिभा को 4 चांद लगा दिए। बिजनेस स्टडी में शुभ ने 95 अंक, खुशबू ने फिजिक्स में 90 अंक प्राप्त किए। स्कूल के प्रबंधक अतुल जैन और प्रधानाचार्य मधु अग्रवाल ने इस उत्कृष्ट परिणाम के लिए अध्यापक व अध्यापिकाओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी। वहीं आईबीएल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने अपेक्षाकृत रूप से श्रेष्ठतम अंक प्राप्त कर विद्यालय तथा अभिभावकों का नाम रोशन किया। प्रधानाचार्य गीता राठी जी ने अभिभावकों, बच्चों तथा अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देते हुए सबका मुंह मीठा करवाया और कहा कि ये बच्चों की लगन और परिश्रम का ही फल है। चारों तरफ अभिभावक, बच्चे और अध्यापक प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। आईबीएल प्रबंधक कमेटी की ओर से सभी बच्चों को उनकी लगन और परिश्रम के लिए बधाई दी गई।
आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर 1 वॉइस ऑफ पानीपत नंबर 1।